हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रिपरेशन नाम के इस चैनल में भारत का डोमेन नेम सर्वर। आज का यह ब्रेन बूस्टर हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो भारत का डोमेन नेम सर्वर है, उसमें हम बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर आखिर ये डोमेन नेम सर्वर है क्या और यह कैसे कार्य करेगा, और इसकी फिशिंग साइट क्या है, इस सब चीज़ों बाद हम बात करेंगे। तो पहला देखते हैं इसका पहला पॉइंट। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सार्वजनिक डोमेन नेम सर्वर लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है, जो ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स और तेज़ रिस्पॉन्स टाइम से युक्त होगा। फिर दूसरी और बात कही गई है कि इस कदम से देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अपना डेटा स्थानीय स्तर पर संग्रहित करने की सुविधा मिल सकेगी। ये इस वजह से चर्चा में रहा है। और आगे हम बात करेंगे अगर आगे देखते हैं कि आखिर यह क्यों चर्चा में रहा। तो इसका चर्चा में रहने की जो मतलब देख चुके हैं क्यों चर्चा में रहा, फिर बात करेंगे कि ये आखिर में है क्या। तो दरअसल यह एक डीएनएस, एक ऐसा सिस्टम, मतलब डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सर्वर, एक ऐसा सिस्टम होता है जो डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, और साथ ही इसी आईपी एड्रेस के चलते ब्राउज़र बताई गई वेबसाइट को अपलोड करता है, और इंटरनेट ब्राउजिंग में इसका अहम रोल होता है। साथ में अगर हम और देखें तो इसे डोमेन नेम सर्वर इंटरनेट के लिए किसी निर्देशिका की तरह है। डोमेन नेम सर्वर को डोमेन नेम सिस्टम या संक्षिप्त में डीएनएस भी कहा जाता है। डोमेन नेम सर्वर का मुख्य कार्य क्या होता है? यह डोमेन नेम किसी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। अब जब यूजर किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउजर यानी गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स जैसे जो वेब ब्राउज़र होते हैं, मैं जब हम टाइप करते हैं, तो डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर उसको आईपी एड्रेस में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यूजर आईपी एड्रेस की तुलना में शब्दों को ज़्यादा आसानी से याद रख सकते हैं, और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स दुनिया के सभी डोमेन नेम को इसका क्या करता है, प्रबंधन करता है। आई कैन एक गैर लाभकारी निकाय है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अब हम बात करेंगे डोमेन नेम सर्वर कैसे कार्य करेगा। अगर यूजर गलती से फिशिंग पॉइंट पर चला जाता है, तो नया पब्लिक सिस्टम तुरंत अलर्ट वाला पेज ओपन करेगा या कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉपअप आएगा, ताकि वह खुद को नुकसान से बचा सके। साथ ही सर्वर डाउन होने की अगर समस्या हो, तो उसे दूर करने के लिए यह डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर हमेशा 24 घंटा चालू रहेगा, और इसे देश भर में लागू किया जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को इंटरनेट ब्राउज़र पर आईपी नंबर टाइप करना होगा। इसमें 50 लाख यूजर्स को होस्ट करने की क्षमता है, साथ ही इसे ज़रूरत पड़ने पर और भी बढ़ाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, अगर कोई यूजर अस्थायी तौर पर भारत में रहने वाला होगा, तो उसे फॉरेन आईपी एड्रेस से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। छठवां पॉइंट इसमें है कि सार्वजनिक डोमेन नेम सर्वर का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सरकार की प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जो अगले 4 से 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि फिशिंग साइट क्या है। अभी इसमें हमने बात किया कि अगर मान लीजिए कोई फिशिंग साइट पर चला जाता है, तो कैसे वो खुद को नुकसान से बचाए। अब मुद्दा ये है कि फिशिंग साइट क्या है। तो जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है, और चारा खाने की लालच या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग भी हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं। मतलब जिस प्रकार हम मछली को कैसे पकड़ते हैं, एक उसके लिए चारा डालते हैं, पूरा जाल बिछाते हैं, उसमें मछली को पकड़ते हैं, वैसे जो हैकर्स होते हैं वो फिशिंग साइट के माध्यम से यूजर्स के लिए क्या एक जाल बिछाते हैं, और यूजर जब उस धोखे में फंस कर उस जाल में फंस जाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो गुप्त जानकारी होती है उसको चुरा लेते हैं, जिसमें वो आपकी निजी जानकारी को धोखेबाजी से चुरा लेते हैं और आपका गलत उपयोग करते हैं। फिशिंग की घटनाओं की संख्या में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए, और इन पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय जैसे कि इनके विरुद्ध कानून, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण,
सार्वजनिक जागरूकता और तकनीकी सुरक्षा को सुदृढ़ करना आदि को अपनाया जा रहा है। तो ये रहा भारत के डोमेन नेम सर्वर के बारे में जितनी सारी महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हो सकती है हम डिस्कस किया, जितने सारे इसके महत्वपूर्ण आयाम हो सकते थे उसे हमने डिस्कस किया। अब आपके लिए जो एक मेंस की पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस टाइप से बन सकता है कि भारत की हाल ही में चर्चे में रहे डोमेन नेम सर्वर से आप क्या समझते हैं, भारत के लिए यह किस प्रकार, भारत के लिए, भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह किस प्रकार चुनौतीपूर्ण हो सकता है या क्या समस्याएं पैदा कर सकता है, जहाँ की भारत जैसे देश में डिजिटल उपभोक्ता क्या है ज़्यादा मात्रा में है, ऐसे ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे सवाल बन सकता है। ठीक है, के रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।